साहब सत श्री अकाल। तो आइए देखते हैं राज्य मंत्री अशोक चांदना ने दर्शन न्यूज के बारे में क्या कहा। साथ ही कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष सीएल प्रेमी व सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष आनंदीलाल मीणा, भाजपा जिला महामंत्री सुरेश अग्रवाल, भाजपा शहर अध्यक्ष महावीर खंगार ने भी अपनी दर्शन न्यूज के लिए राय रखी। देखिए, दर्शन न्यूज जो एक नया चैनल हमारे ज़िले में लॉन्च हुआ है और मैं समझता हूँ कि पूरी टीम, जो मैं टीम को देखता हूँ, बहुत ही मेहनती और कार्यशील टीम है। पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ सबसे पहले, और मैं आपको हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि आने वाले समय में जनता की आवाज़ को उठाने के लिए, पत्रकारिता को एक नया आयाम देते हुए आप जनता की सेवा में अपना समय देंगे। मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सोशल मीडिया आज के टाइम पे जो बच्चों पे भी हावी हो रहा है, तो हमने सोशल मीडिया के दौर पे ये दर्शन न्यूज को चालू किया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपकी टीम जो मैंने देखी है, किसी भी दौर में आप शुरू करोगे अच्छा ही काम करोगे। बढ़ते सोशल मीडिया के इस क्रम में हम आज हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष सीएल प्रेमी जी से जानना चाहेंगे कि क्या सोशल मीडिया है और दर्शन न्यूज के लिए क्या कहेंगे आप जी? सोशल मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है और मैं समझता हूँ कि आज के ज़माने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बूंदी डिस्ट्रिक्ट में दर्शन न्यूज चालू करके एक बहुत अच्छा काम किया है। मैं आप लोगों को बहुत और एक बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ये भी मैं कहता हूँ कि भाई ये समय की डिमांड है। आज हर आदमी सोशल मीडिया से जुड़ रहा है, तो उससे की कड़ी में आप लोग जुड़े हो। मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि आप सोशल मीडिया में अपनी ऐसी भूमिका अदा करें जो एक निष्पक्ष भूमिका अदा करें, ताकि लोगों को इसका बहुत लाभ हो। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो अब हमारे जिलाध्यक्ष सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष आनंदीलाल जी मीणा जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और हम चाहेंगे कि आप भी हमें बताएं कि दर्शन न्यूज जो हमने शुरू किया है, जो सोशल मीडिया का एक ज़माना है, उसके आधार पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं दर्शन न्यूज़ और आप पूरी टीम को बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छा वर्क करे, सोशल डेवलपमेंट में, सोशल की सोसाइटी की जागरूकता में आप बहुत अहम भूमिका निभाएं, और आप अच्छे कंटेंट्स के साथ आज के युवाओं को अच्छा मार्गदर्शन करें, ताकि वो अपने भविष्य के बारे में सोच सके। और जो सोशल मीडिया पे जो वल्गर चीज़ें आती है, उनसे दूर हटाते हुए युवा वर्ग को अच्छी दिशा दें आप लोग, ऐसी मैं आप लोगों से कामनाएं करता हूँ और आपके सुखद भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दर्शन न्यूज जो चैनल हुआ है, शुरू हुआ है, ये एक अच्छा चैनल है। हमें उम्मीद है कि जैसे और चैनलों वाले अपनी अपनी न्यूज़ देते हैं, दर्शन न्यूज़ नया चैनल आया है, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए अच्छी न्यूज़ देगा, घर घर जाएगा, जहाँ ढाणी ढाणी भी जाएगा, शहर की पूरी खबरें कवरेज करेगा, उससे हमें अच्छा ज्ञान मिलेगा, अच्छे हमें इसी एक उपलब्धि मिलेगी, और हमारे को एक पता लगेगा कि हमारे बूंदी डिस्ट्रिक्ट का एक नया चैनल शुरू हुआ है, इससे हमारे को काफ़ी कई प्रकार की उपलब्धियाँ मिल सकी। जो हमारी शिकायत होगी हम इनको दर्ज कराएंगे, इसको आगे भेजेंगे, स्टेट गवर्नमेंट तक जाएगी हमारी न्यूज़, सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाएगी, उसे कुछ ना कुछ हमारी जो खबर होगी उसका समाधान होगा। नमस्कार साथियों, हम बूंदी के चौगान गेट दरवाजे पर खड़े हैं और दर्शन न्यूज की शुरुआत की बधाई संदेश के साथ ही हम हमारे सुरेश जी अग्रवाल जी से बात करेंगे कि आज के सोशल मीडिया में जिस प्रकार जरूरत है, तो हमने दर्शन न्यूज को स्टार्ट किया है, तो सोशल मीडिया के थ्रू हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो कितना डिमांड है और क्या इसकी गतिविधियाँ रहेगी और किस प्रकार पॉपुलर हो पाएंगे हम? सर्वप्रथम तो दर्शन न्यूज के माध्यम से जो ये चैनल चालू किया गया है, पूरी टीम और मैनेजमेंट को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई, और ये चैनल दिनों दिन प्रगति करे ऐसी हमारी शुभकामनाएं। जिस तरह की बूंदी में मैं देख रहा हूँ कि आपकी टीम, जो आपने टीम को मैनेज किया है, वो सारी अनुभवी टीम है, और वो जिस तरह के मुद्दों और जिन जन समस्याएँ प्लस पब्लिक के बीच में जाकर अपनी बात को और जनता की बात को उठाएगी आपके चैनल के माध्यम से,
चूँकि आज सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है, उस सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आदमी अपनी बात, परिवार की बात सोशल मीडिया के माध्यम से, जन समस्याएं या राजनीतिक फील्ड में सभी तरह की जो भी आज की एक्टिविटीज है उनको इसके माध्यम से उठाकर जनता को अपनी बात और अपना संदेश दे सकता है। और देश में की जो वर्तमान में राजनीतिक गतिविधि हो, सामाजिक गतिविधि हो, सोशल गतिविधि हो और प्रशासन तक जो आम जन की कठिनाइयां हैं उनको पहुंचाने में ये सहायक सिद्ध होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि ये चैनल बूंदी के जन जन की आवाज़ बनकर यूट्यूब के माध्यम से जनता की आवाज़ बनेगा, ऐसी मेरी शुभकामना है। जी ज़रूर, हम आपकी हर इच्छा को पूरी करेंगे। हम आगे बढ़ते हुए हमारे महावीर जी से बात करेंगे कि जो दर्शन न्यूज़ सोशल मीडिया पर हमने चालू किया है उसके लिए क्या कहेंगे आप? जी आजकल युवाओं में और सभी में आजकल सोशल मीडिया का क्रेज है। दर्शन न्यूज़ जो सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक हर एक खबर पहुंचाएगा, इसके लिए बहुत बहुत दर्शन न्यूज़ को शुभकामनाएं। हमारी यही प्रार्थना है ईश्वर से कि आपका चैनल खूब तरक्की करें। और आजकल पूरे ज़माने में, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया का ज़माना है, इसके आपने जो ये चैनल शुरू किया है इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, तो मैं हूँ दर्शन न्यूज से। आज मैं बूंदी शहर के कोटा रोड पर, तो हम लोगों से जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया लोगों पर कितना हावी हो रहा है। तो सोशल मीडिया पर हमारे दर्शन न्यूज चैनल को लाने का प्रयास किस प्रकार सफल रहा, तो आप बताइए हमें। राजकुमार सरंगी, कोटा रोड अध्यक्ष। सभी कोटा रोड व्यापारियों की तरफ से आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि आपके ऐसा प्रयास किया। ये आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज़ की समस्याओं का सोशल मीडिया पे ही समाधान हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे रोड, नगर, जिले, इसके लिए आप अपने चैनल की तरफ से हमारी सब समस्याएं उठाएं और आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। दर्शन न्यूज़, यह है आपका अपना विश्वास।